वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड यू मस्ट बी डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. तो आज का वीडियो मेरा एक और पर्सनल फेवरेट है बिकॉज इसमें मैंने आपको ऑन द वे गाड़ी चलाते चलाते पूरी माइलेज की डिटेल वगैरह दी है. तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट 370 करीब जो किलोमीटर है मैंने यहाँ पे कवर करे हैं और इसका पूरा मैंने आपको एक कंपाइलेशन बना के ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है. तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग भी रहने वाला है बिकॉज इसमें मैंने माइलेज के अलावा और भी कुछ कुछ चीज़ें जोड़ने की कोशिश करी है, जैसे कि आपको बेसिक टिप्स वगैरह देने की कोशिश करी है कि आपको कैसे आप फ्यूल सेविंग कर सकते हैं. तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा. वीडियो जो है आप पूरा एंड तक देखिएगा बिकॉज इसमें जो पूरा आपको डिटेल है वो आपको कोई भी डिटेल मिस ना हो बिकॉज मैंने हाईवे की अलग से इसमें बीच में बताई है कि हाईवे में मुझे कितनी माइलेज मिली है और हाईवे के बाद हिल जब शुरू हो जाता है वो मैंने अलग से दिखाया है. तो ये वीडियो आपको पूरा आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल पता लगेंगे और कोई भी डिटेल मिस नहीं होंगे. प्लस साथ साथ मैंने टिप्स भी बीच बीच में बताई है. ऊपर जो बोनस प्लस पॉइंट बन के आता है वो है सीनिक ब्यूटी, जो आपको ब्यूटी देखने को मिलेगी पूरे वीडियोज़ में, जो आपको हिल्स की ब्यूटी देखने को मिलेगी वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारा सामान काफ़ी आराम से गाड़ी में आ गया है. तो नेक्सॉन की बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया है जो कि मतलब 4-5 लोगों का सामान काफ़ी आराम से आ जाता है. साथ में ये पार्सल ट्रे भी लग गई है. होते होते ऑलमोस्ट 6:30 होने वाला है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया बट इट्स ओके बिकॉज फैमिली के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता. तो सुबह के 7 बजे करीब हमारी जर्नी शुरू होती है फरीदाबाद से और हम निकल जाते हैं फरीदाबाद से टूवर्ड्स अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड में है. और वाया कालिंदी कुंज हम पहुंच जाते हैं नोएडा और नोएडा में हमारा पहला स्टॉप था पेट्रोल पंप जो कि नोएडा सेक्टर 34 के पास पड़ता है एंड यही वो पेट्रोल पंप था. तो यहाँ पे मैंने ट्रिप मीटर रिसेट कर दिया है तेल भरवाने के बाद. टैंक फुल है तो एक ट्रिप मीटर से भी आइडिया लेंगे प्लस ओडोमीटर से भी एक आइडिया ले लेंगे कि हमारा तेल कितना भरा है गाड़ी में, मतलब एवरेज कितना देरी गाड़ी है उसको चेक कर लेंगे. तो गाइस फ्यूल चेक एंड अभी टायर में थोड़ा हवा चेक करवा रहा हूँ वापस. तो ये काफ़ी ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं एक बार एटलीस्ट अपनी टायर की प्रेशर हमेशा चेक करवा लें, भरवा लें अगर कम है तो वो यहाँ पे चल रहा है. एंड टैंक फुल मैंने कर दिया है और हमें बस चेक करना आगे कि कितना ये वो देता है अपने को, माइलेज कितनी देता है. तो मैंने एक ट्रिप एवरेज को भी रिसेट कर दिया है एवरेज ए को और मैंने ओडोमीटर की रीडिंग नोट कर ली थी तो उससे एक जो एक टैंक टू टैंक मेथड होता है उससे भी आइडिया लग जाएगा कि कितना हुआ. तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप 45 किलोमीटर चल चुका हूँ पेट्रोल भरवाने के बाद और MID में जो हमारा मीटर है उसके हिसाब से 17.1 का एवरेज दे रही है जो कि काफ़ी ठीक है. लाइट फुट पे गाड़ी चला रहा हूँ मैं, लाइट फुट पे 70 से 80 की स्पीड पे अराउंड चला रहा हूँ एक्सीलेटर पे हल्का सा पैर रख के. तो अभी तक तो अच्छी माइलेज मिली है, आगे देखते हैं. एंड दिस इज़ एन ऑटोमेटिक कार. आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो यू मस्ट बी नोइंग इट कि मेरी ऑटोमेटिक कार है. तो ऑटोमेटिक में 17 का एवरेज इज़ एक्चुअली नॉट बैड अभी तक, बट एक्चुअली ये एक्चुअल एवरेज नहीं होता, एक्चुअल एवरेज हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे. बट अगर 17 दिखा रहा है तो 15 तो एटलीस्ट होना ही होना है, तो 15 से कम तो नहीं है और 15 भी एक्चुअली बुरा नहीं है. तो लेट्स सी. एंड अभी यहाँ से अराउंड 300 किलोमीटर शायद और होगा. सो गाइस थोड़ा वही है, मतलब एवरेज मैंने आपको दिखा दिया कि एवरेज अभी तक कितना मिला 45 किलोमीटर में जो हमने ड्राइव करी अभी तक उसमें कितना एवरेज मिला है. एंड आगे लेट्स सी, मोस्टली पहाड़ों पे देखना पड़ेगा क्या होता है. एंड आप जब भी गाड़ी अपनी हाईवे पे चलाएं कभी भी AC बंद ना करें. अगर AC आप बंद करके खिड़कियाँ खोलेंगे तो जो रेजिस्टेंस आती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उल्टा आपको मतलब माइलेज ज़्यादा देने के बजाय माइलेज कम हो जाएगी गाड़ी की बिकॉज गाड़ी में एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है. तो हमेशा बेटर ये है कि आप AC चलाएं व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग एट हाईवे एंड यू विल गेट द माइलेज. सो ये ट्रिप में साथ साथ में एक दो छोटी मोटी टिप्स भी शेयर करते रहूँगा बट इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा. सो दिस इज़
जस्ट लाइक छोटी मोटी अगर मुझे कोई टिप्स याद आती हैं तो मैं इस वीडियो में ही वो डालने की कोशिश करूँगा, और बाद में एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊँगा टू इम्प्रूव द माइलेज ऑफ द कार। गाइस, अगर आपकी कार में ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वाला ऑप्शन है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये काफ़ी सही रहता है। इसको देख के अगर आप ड्राइव करेंगे तो एक आप अच्छी माइलेज निकाल सकते हैं कार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी 0 से 30 तक ये मीटर है, और अभी मीटर पहुँचा हुआ है बिल्कुल 30 पे, तो मतलब इंस्टेंट जो मुझे 30 की माइलेज मिल रही है गाड़ी में, मतलब इसका कहने का मतलब ये है। बट एक्चुअली वो इंस्टेंट टू इंस्टेंट मतलब सेकंड टू सेकंड डिफर करती रहती है, और बाद में आपका एक एवरेज निकल के आता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 करीब माइलेज है। तो अगर आप लाइट फुट से चलाएंगे कोई भी गाड़ी, और अभी जैसे मैं नेक्सॉन की AMT गाड़ी चला रहा हूँ, तो आपको इतना ही माइलेज मिलेगा, मतलब 10 के करीब तो ये बहुत मुश्किल से जाता है अगर आप हल्के पैर से एक्सीलेटर में पैर दे के चलाएंगे गाड़ी। और जैसे ही आप एक्सीलेटर से बीच बीच में पैर हल्का सा हटाएंगे, मतलब आप पावर यूटिलाइज़ करेंगे गाड़ी की, जो फ्यूल ऑलरेडी जा चुका है उसको यूटिलाइज़ करेंगे, तो ये जो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है वो आपकी 30 तक जाएगी। और इसको थोड़ा आप देखते हुए गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी जो है एवरेज मिलेगी। तो गाइस, एक बार मीटर भी चेक कर लेते हैं कि मीटर की यह कंडीशन है। एंड रामपुर यहाँ से 40 किलोमीटर है। काफ़ी आराम से मैं ड्राइव कर रहा था पूरे रास्ते में, अराउंड 70-80 की स्पीड रखी है मैंने मैक्सिमम। बीच बीच में कभी कभी 100 गया हूँ, उससे ऊपर नहीं गया हूँ। तो एक बार मैं अपना मीटर भी चेक कर लेता हूँ कि क्या रीडिंग है, आपको भी दिखा देता हूँ। जो मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी आपको, उस समय अराउंड 17 की एवरेज दे रहा था आई गेस। एंड अभी देखते हैं कि अभी कितनी एवरेज मिल रही है। अच्छी होनी चाहिए, आई हैव नॉट सीन द एवरेज, लेट्स सी द एवरेज कितनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि लाइट फुट से काफ़ी 70-80 की स्पीड में मैंने गाड़ी चलाई है बहुत आराम से। सो चेक करते हैं अपना मीटर। तो एक एवरेज माइलेज निकालने के लिए जो हमारा एटलीस्ट किलोमीटर होना चाहिए, जो बेसिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो 150 के ऊपर होना चाहिए। 150 किलोमीटर के ऊपर आप एक माइलेज का आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी 157.2 है और 17.7 है, तो मतलब एटलीस्ट अगर टैंक भी भर के हम देखेंगे तो शायद एटलीस्ट 16 आनी चाहिए, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 18 के करीब है, तो 16 करीब तो आनी चाहिए, जो काफ़ी अच्छी माइलेज है। और हो सकता है कि मे बी ये मैच भी कर रहा हूँ, वो फ्यूल भरवा के ही पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या सीन है। काफ़ी अच्छी एवरेज मिल रही है, क्योंकि पूरे रास्ते में मैंने गाड़ी काफ़ी लाइट फुट से चलाई है, बिना एक्सप्रेशन दिए हुए 70-80 की स्पीड पर गाड़ी चलाई है हल्के पैर से। और ये जो आपका RPM होता है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आप कम RPM पे ज़्यादा स्पीड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो माइलेज है ज़्यादा मिलेगी। मैं आपको एक बार चलाते चलाते वापस दिखाऊंगा। RPM कम रहेगा बट अपनी स्पीड ऑलमोस्ट 80 के करीब रहेगी, 2000 के करीब RPM रहेगा और 70-80 की स्पीड रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं 157.2 किलोमीटर, और इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा हाईवे था, बीच बीच में ट्रैफिक भी आया हुआ था काफ़ी ज़्यादा। एंड अच्छा एवरेज निकाल के दिया है, AC पूरे टाइम चला हुआ है, और AMT कार के लिए अच्छा माइलेज है। तो यही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी माइलेज बढ़ाती हैं। तो आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि हमारा आगे माइलेज कैसा रहता है। गाइस, ये जो आपके पास इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वाला ऑप्शन है, ये काफ़ी सही चीज़ है अगर आपकी कार में, जो कि आजकल मैक्सिमम कार में आता है, आप इस पर ध्यान दीजिए और इसके हिसाब से थोड़ी गाड़ी चलाइए। तो अभी मैं नॉर्मली इसको ज़्यादा नहीं देखता हूँ, बट आज मैंने इसको काफ़ी मतलब इसको देख के ही गाड़ी चलाई थी, तो एक एवरेज काफ़ी अच्छी निकल के आई है। और साथ ही साथ आपका जो पैर है वो उसी हिसाब से सेट हो जाएगा, कब आपको एक्सेलरेशन देना है या कब आपको थोड़ा छोड़ना है। देखिए अभी मेरी स्पीड है अराउंड 70 करीब, और RPM आप देख सकते हैं 1600-1700 के करीब है, तो ये आपको बेस्ट एवरेज देगा। तो यहाँ पे अभी 13-14 की एवरेज दिखा रहा है, बट ये इंस्टेंटली बढ़ जाएगी। देखिए एक्सेलेटर से मैं बीच बीच में पैर छोड़ता हूँ तो इंस्टेंट जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बढ़ जाती है, तो ये ऑलमोस्ट 30 के करीब जा रही है। तो एवरेज जो निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट 17-18 का निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इस चीज़ को देख के अपनी गाड़ी चलाते हैं तो ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा, और फ़ायदा इससे ये होगा कि अगर आप इसको 2-3 बार यूज़ करेंगे देख देख के, तो आपका पैर वैसे ही सेट हो जाएगा। जैसा कि अभी मैं इसको बिना देखे चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 40 मिनट से मैं इसको बिना देखे चला रहा था, और बीच बीच में एक बार मैं नज़र मारता हूँ तो मुझे हमेशा ये 15 के ऊपर ही मिला है, जो
इंडिकेटर है, ये हमेशा मुझे 15 के ऊपर ही दिखा है। तो ये एक तरीका है, और बस आपको जो अपने रेगुलेशन है आरपीएम जो है वो थोड़ा कंट्रोल में रखना है, सडन एक्सीलरेशन नहीं देना गाड़ी को, और सडनली अगर आप ब्रेक भी मारेंगे और वापस एक्सीलरेशन देंगे तो पावर का जो यूज़ है वो बराबर हो नहीं पाएगा और उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेक मारा और ये 30 पे गया है सीधे। अब मैं हल्के 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 एक्सीलरेशन दूंगा तो ये ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, अगर एकदम से मैं एक्सीलरेशन दूंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा जिससे आपकी माइलेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखिए ये है पूरा फुल सीन। यहाँ पे रोड फिर भी कंडीशन ठीक है, पहले रोड की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी बट यहाँ पे रोड की कंडीशन सही है, और आगे देखते हैं। बट आगे ये बिलासपुर वगैरह साइड जो रोड्स हैं वो पहले भी अच्छी नहीं थी और अभी भी मुझे पता नहीं आज की डेट में शायद कंडीशन बहुत अच्छी ना हो, तो वो हम देखेंगे। आगे काफ़ी अच्छी सीनिक वीडियो आने वाली है, सो आप बने रहिए। तो भाई इधर करवानी है एंट्री, अगर आपको एंटर करना है उत्तराखंड में तो अवर कार इज़ कमिंग फ्रॉम फरीदाबाद, रामपुर के आगे ये पॉइंट पड़ता है, बॉर्डर के आसपास है, पाजपुर पाजपुर करके जगह है वहाँ पे पड़ता है, पीछे आप देख सकते हैं नगर पालिका पाजपुर, दैट इज़ अ प्लेस, यहाँ पे आपको एंट्री करवा। एक बार मैं आपको तब तक एंट्री करवा माइलेज चेक करवा देता हूँ। तो हमारे हो चुके हैं 217 किलोमीटर एंड माइलेज है आपकी 17.1, तो ये भी अच्छी माइलेज है बिकॉज मिक्स ड्राइविंग हुई है, स्पोर्ट्स मोड प्लस सिटी ड्राइव दोनों ही मैंने करी। इको मोड पे तो मैं गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाता हूँ, मे बी आपको अच्छा थोड़ा वो मिलता होगा फ्यूल माइलेज, बट इकोनॉमी मोड में गाड़ी मुझे काफ़ी वो जो हैप्पीनेस है गाड़ी की बिल्कुल चली जाती है, तो इसलिए मैं गाड़ी चलाता नहीं हूँ इकोनॉमी में। बाकी 17.1 की माइलेज सही है। यहाँ पे भैया लीची और आम के बागान हैं बहुत बढ़िया, तो ये चीज़ देख लायक है ज़बरदस्त। एंड काफ़ी ड्राइव हो चुकी है 248.6 किलोमीटर, तो 250 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैं चला चुका हूँ। फिलहाल ये माइलेज दिखा रहा है आपको 16.8, तो इस पर मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी था बीच में एंड पूरी हाईवे ड्राइव तो नहीं थी, इस टाइप की सड़कें जो आप देख रहे हैं सामने इस टाइप की सड़कें बहुत सारी आई थी, तो ये एक प्रॉब्लम रही है, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद 16.8 जो अभी ये दिखा रहा है। और हाँ ये जो 16.8 की माइलेज है मैं पहले बताना भूल गया था आपको, ये हमारी मतलब गाड़ी जो है फुल्ली लोडेड है, जो मैंने आपको दिखाया था पहले भी कि सामान कितना रखा हुआ है, उसके बाद भी ऑलमोस्ट 50 से 60 किलो सामान और आया है, प्लस हम लोग भी बैठे हैं, चार लोग बैठे हैं गाड़ी में, सो ये तो है ही, तो फुल्ली लोडेड गाड़ी है, मतलब जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ऑलमोस्ट उतने तक ही लोडेड है। एंड इसके बाद 16.8 की माइलेज पेट्रोल कार में, वो भी AMT ऑटोमेटिक कार पेट्रोल में 16.8 की माइलेज 250 किलोमीटर के बाद है, थोड़े ना बहुत ही स्मूथ ड्राइव, बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव मिली है मुझे। ये देखिए गड्ढे आते हैं और गड्ढों का मतलब बहुत ही, या कोई बम्स आते हैं उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी नेक्सॉन में, मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल राइड पसंद है उनको, हमेशा नेक्सॉन अच्छी लगेगी, सस्पेंशन क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट है, मिड में बनाए हुए हैं और वो काफ़ी अच्छा आपको राइड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है बेसिकली कार चलाते वक्त, और कुछ नहीं है। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं, मतलब यहाँ से शुरू हो जाएगा अपहिल ड्राइव, ऑलमोस्ट काट गोदाम में ही हम लोग, और यहाँ से अपहिल ड्राइव शुरू हो जाएगी। गाड़ी चल चुकी है 270.8 किलोमीटर और 16.8 की एवरेज दिखा रही है।
16.4 दिखा रहा है बिकॉज पूरा ये जो है हाईवे ड्राइव नहीं थी, हाईवे पे मुझे अप्रॉक्सीमेटली 17.5 करीब करीब मिली थी हाईवे ड्राइव में, और अभी जो ये चल रहा है ये सिटी प्लस ट्रैफिक प्लस हाईवे सब मिला के है, अब हम आ चुके हैं हिली एरिया पे और मैं गाड़ी चला रहा हूँ फिलहाल ऑटोमेटिक में। सिटी में ऐसा कोई लैग नहीं आप देख सकते हैं, मोस्टली शायद मैं सिटी में ही ड्राइव करूँ। से अगर आपको माइलेज और अच्छी चाहिए तो हिल में आपको ऑलवेज थोड़ा मैनुअल पे चलाना चाहिए गाड़ी को, जो मैनुअल ऑप्शन इसमें दिया गया है। एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे शायद ये देखिए लैंडस्लाइड वगैरह भी हुआ है। सो गाइस सुबह से 300 किलोमीटर ऑलमोस्ट चलाने के बाद हमें अभी पहाड़ों पे जो एवरेज मिल रहा है वो है 15.7 और अब लग पड़ी है भूख, तो नाउ इट्स टाइम टू हैव समथिंग। सुबह से हम लोगों ने ऐसा कुछ खाया नहीं है, आई थॉट कि स्क्रैचेस लग गए, कीचड़ मिट्टी निकल के लगी है तो ऐसा ये दाग आ गया, वॉश हो जाएगा जो भी। तो गाइस हो चुका है हमारा सारा खाना पीना एंड वी आर रेडी टू हेड बैक। एंड यार प्लास्टिक वगैरह कोई आप इधर जो कोई भी आता है पहाड़ों में प्लीज़ प्लास्टिक का लिटरिंग वगैरह ना करें, जो भी आप लेके आ रहे हैं साथ में वो लेके जाए और कूड़ा वगैरह ना करें तो अच्छी बात है। एंड ये रोड काफ़ी अच्छी है, मतलब ड्राइव जो करते हुए आपको ये सीनरी वगैरह देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पहुँचते हमें जहाँ से मैंने पेट्रोल भराया था दैट वाज इन आई थिंक नोएडा, तो यहाँ से ओडोमीटर पे हो गए हैं ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर फ्रॉम दैट पेट्रोल पंप इन नोएडा टू यहाँ पे भीमताल, तो 300 किलोमीटर में ये जगह है। एक बार गाड़ी की माइलेज आपको वापस कर देता हूँ, खैरना स्टॉप पॉइंट इज खैरना। अभी थोड़ा पहाड़ों में थोड़ी काफ़ी ड्राइव हो गई है तो इसकी वजह से थोड़ी माइलेज घट गई है, बट मैं देख रहा था कि माइलेज थोड़ा और मतलब ठीक आई थी तो एवरेज दिखा रहा है 15.2 वापस 14.8 तक आ गया था, लेकिन वापस थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि रोड थोड़ी सी ठीक थी तो एवरेज वापस बढ़ गया। टोटल कवर्ड डिस्टेंस 327 किलोमीटर, तो 327 किलोमीटर हो गए हमारे इधर आते आते। एंड महिंद्रा एंड टाटा भाई दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं एंड मैं खुद इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करता हूँ एंड एक्चुअली दे आर मेकिंग गुड कार्स, तो ऐसी बात नहीं है कि कार बेकार है, कार भी अच्छी बना रहे हैं और प्राइसेस भी ठीक कॉम्पिटिटिव रखते हैं, तो वाई शुड नॉट बी बाय दिस कार। मेरे पास खुद नेक्सॉन है एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैंने अभी काफ़ी टाइम पूरा ये हिल्स में जताया हूँ, मैंने ऑटो में ही चलाई है गाड़ी, सो ऑटो मोड को पूरी अच्छी तरीके से यूज़ किया है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ऐसा ही आप लोगों को भी मतलब अगर ऑटो गाड़ी लेते हैं और कोई लोग बोलते हैं हिल्स में दिक्कत होती है, आई डोंट थिंक सो कि हिल्स में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती है, अगर कोई स्टीप हिल है तो यू कैन गो फॉर द मैनुअल गियर शिफ्ट, अदरवाइज दिस ऑटो गियर शिफ्ट इज़ आल्सो गुड, अपने आप गियर शिफ्ट होते रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड ऑटोमेटिक गाड़ी होने से आपको काफ़ी आराम हो जाता है, स्पेशली आपके लेफ्ट फुट जिससे आप क्लच बार बार प्रेस करते रहते हैं उसमें काफ़ी आराम हो जाता है, बट अभी गाड़ी ऑलमोस्ट 350 के ऊपर चल चुकी है और हल्का सा जो है मेरे राइट लेग में दर्द हो रहा है, ज़्यादा नहीं है बट वही एक्सीलेटर वगैरह और ब्रेक जो प्रेस कर रहे हैं उसकी वजह से, बाकी लेफ्ट लेग तो पूरा ही फ्री था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ पे हम लोग कवर कर चुके हैं 362.8 किलोमीटर अल्मोड़ा पहुँचने के लिए एंड अभी मैं वापस जो है पेट्रोल जो है रिफ़िल करवाऊँगा तो देखना है कि कितना तेल आता है और हमारी जो किलोमीटर है वो एक्चुअल निकल जाएगा कि हमारा तेल कितना कंज्यूम हुआ है, माइलेज निकल जाएगी। यहाँ पे MID पे 14.7 दिखा रहा है और एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना दिखाता है, इतना भी तेल आएगा उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग ट्रिप ए से और वही हमारा एक्चुअल आपको एक माइलेज बता देगा।
एंड फाइनली 7 किलोमीटर फ्रॉम द पेट्रोल पंप और चलने के बाद हमारा सफ़र ख़त्म होता है इस सुंदर से सनसेट पे। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें तो हमारा 362.8 किलोमीटर जहाँ से मैंने पेट्रोल भरवाया था नोएडा से, वहाँ से यहाँ अल्मोड़ा के पेट्रोल पंप तक 362.8 किलोमीटर लगे थे एंड पेट्रोल आया है 24.72, तो माइलेज निकल के आती है 14.67। तो ये जो है माइलेज जो है MID से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये काफ़ी शॉकिंग है और काफ़ी बढ़िया, मतलब कैलिब्रेटेड है मेरा जो भी गेज है यहाँ पे। तो 14.67 की माइलेज एंड 14.7 MID पे दिखा रहा था, तो ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है, 0.3 का डिफरेंस है जो कि नेग्लिजिबल है, जो कि कुछ भी नहीं है। एंड आगे मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए आप उसके बाद जो है यहाँ पे अभी ट्रिप हो चुकी है 369.7, मतलब 7 किलोमीटर मैं और चल के आया था यहाँ पे जहाँ पे मुझे फाइनली आना था। एंड यहाँ पे एवरेज जो है जो मिल रहा है 14.4 का हो गया है। तो पहाड़ों में ये एवरेज हमेशा थोड़ा सा घट जाता है और यहाँ पे भी 0.3 का डिफरेंस आ गया ऑलरेडी 7 किलोमीटर चलाने के बाद, और शायद आगे भी ये थोड़ा रिड्यूस हो। सो गाइज मैं ट्राई करूँगा आपके लिए एक और माइलेज का वीडियो बनाने के लिए, इनकेस मेरी ड्राइव पहाड़ों पे इतनी होती है कि मैं आपको पहाड़ों के अलग से माइलेज दिखा सकूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। बाकी अगर बात करें तो हाईवे में मुझे 17.8 की एवरेज मिली है, प्रॉपर हाईवे में जो माइलेज मिली है। अगर मैं सिटी प्लस हाईवे की बात करूँ तो शायद वो माइलेज 16.8 के करीब करीब निकल के आई थी, तो जो काफ़ी अच्छी है। एंड पहाड़ों पर आते आते जो कि मैंने 100 किलोमीटर की ड्राइव थी वो घट के जो माइलेज है वो हो गई आपकी 14.7 के करीब। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बिकॉज मैंने आपको इसमें सारी डिटेल्स देने की कोशिश करी है कि हाईवे प्लस हिल्स और सिटी तीनों की आपकी कंबाइंड माइलेज आपको कितनी मिल रही है नेक्सॉन पेट्रोल XMA में। तो इन केस आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहता हूँ। तो मिलूंगा मैं जल्दी आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।